सभी को राम राम, जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप लोगों का सभी का जीवन मंगलमय होगा और आप लोगों के साथ हम लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से। और आज के हमेशा की तरह जो मैं एक अपनी खुद की स्टोरी लेके आती हूँ, वही स्टोरी प्यारी से सुनाऊंगी और एक लास्ट में भजन सुनाऊंगी हमेशा की तरह। तो आज की मेरी स्टोरी है पति पत्नी पे। तो मैं सुनाने वाली हूँ अपनी खुद की स्टोरी कि हम लोग अभी एक शादी में गए हुए थे। तो वहां पे जब मैं गई, कोठी एक जगह है कंचनपुर के आगे है, तो वहां पे जब हम लोग गए कोठी में एक शादी में, तो मेरे हस्बैंड जी अपने कई मित्र मंडली के साथ खड़े हुए थे। तो वहां से मेरा अचानक निकलना हुआ तो उन्होंने मेरे से नमस्ते किया, तो हमने भी नमस्ते कर दिया और वहां से मैं चली गई। तो मेरे हस्बैंड जी की जो मित्र मंडली थी उन्होंने पूछा कि कौन आपकी कोई फ्रेंड है क्या जिससे आपने नमस्ते किया है। तो मेरे हस्बैंड जी ने वही मुस्कुरा के स्माइल करके बोला कि नहीं, वो हमारी वाइफ है। तो सभी लोग बोले कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वाइफ से क्या कोई नमस्ते कर सकता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता यार कि क्या आप अपनी वाइफ को फ्रेंड नहीं मान सकते हैं, वाइफ भी तो एक फ्रेंड ही है ना। तो आप वाइफ को इतना प्यार दीजिए, इतना रिस्पेक्ट दीजिए कि मतलब सामने वाला अगर देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाए कि मतलब आपकी वाइफ आपकी फ्रेंड कैसे हो सकती है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमेशा अपनी वाइफ को खूब प्यार मान सम्मान दीजिए जिससे कि वो आपका जीवन मंगलमय बन सके। और फिर जब सभी लोगों से मेरे हस्बैंड जी ने बताया कि हमारी वाइफ थी, तो सब स्माइल करने लगे क्योंकि मैं वहां से रिटर्न होके जब दोबारा आई ना तो सब लोग स्माइल कर रहे थे। अच्छा, उस समय मुझे वो चीजें समझ नहीं आई थी कि इन लोगों के आपस में क्या बातें हुई है, तो सब लोग स्माइल कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे पास में बुलाया और बोला कि अभिलाषा सबसे आप मिलो, ये हमारे फ्रेंड लोग हैं। तो मैंने सबसे नमस्ते किया, सबसे मिलना हुआ, तो सभी लोग फिर जान गए कि नहीं, ये सच में बोल रहे हैं, इनकी वाइफ है अभिलाषा पांडे, उन्होंने मेरा नाम बताया और सब लोग सब प्रसन्न हो गए। तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ यार कि हस्बैंड वाइफ जो है ना, हमेशा उनका इतना प्यारा रिश्ता होना चाहिए ना कि अगर हमको प्रभु ने जीवन दिया है तो क्यों ना हम उसको जीवन को हंसी खुशी में अपने जीवन को मस्त बनाए जिससे कि हमेशा हम लोग प्रसन्न रहे। आज मैं आप लोगों को कृष्ण भजन हमेशा की तरह सुनाऊंगी, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि दीदी हमेशा ही कृष्ण भजन सुना देती है। क्या है, कृष्ण भगवान छोटे से लड्डू गोपाल है और हमारे घर में लड्डू गोपाल तो होते ही हैं, उनको हम कितना सारा प्यार करते हैं ना, एकदम अपने छोटे बच्चे की तरह। तो मुझे हमेशा जब बहुत सारा प्यार आता है ना तो मैं कृष्ण भजन गा लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी मेरा ये कृष्ण भजन जो मैं आज सुनाने वाली हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज मेरे गाने को आप लोग सुने। मोरे बाके बिहारी लाल, मोरे बाके बिहारी लाल, ना करी ना तू इतना श्रृंगार, नजर तो हे लगे जाएगी, नजर तो हे लगे जाएगी। मोरे बाके बिहारी लाल, न करी ना तू इतना श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। हाँ, तोरी सूरतिया में मन मोरा टिका, प्यारा लगे तोरा पीला पटिका, तोरी सूरतिया में मने मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, न करी ना तू इतना श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मोरे बाके बिहारी लाल, करी ना तू इतना श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मोरे बाके बिहारी लाल,
मोरबा के बिहारी लाल, न करना तो इतना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। हाँ तोरी कमरिया में मन मुरा टिका, तोरी कमरिया में मन मुरा टिका, प्यारा लगे तोरा काला पटिका, प्यारा लगे तोरा काला पटिका। तोरे गले बिजंती माल, तोरे गले बिजंती माल, न करना तू इतना श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मोरे बाके बिहारी लाल, न करना तू इतना श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सभी को राम राम, जय माता जी, प्रणाम।